हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन इन गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस मौजूद नहीं है। आखिर में ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस मौजूद नहीं है? या फिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ये सारी के सारी लाइट गैसेस एस्केप कर गई। जी हाँ, आज से लगभग करोड़ों साल पहले, यानी कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी। और उस समय पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो लगभग करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड था। तो सोचिए उस टेम्परेचर पर आखिर में क्या हुआ होगा। किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से किसी गैस के मॉलिक्यूलर स्पीड भी क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी गैस का रूट मीन स्क्वायर स्पीड उसके टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, आइए उसे एक रिलेशन के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। CRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m। यहाँ पे E जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और m जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो अगर इस रिलेशन को समझा जाए तो CRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ वो स्क्वायर रूट रिलेशन में बाउंडेड है। यानी कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली उसका आरएमएस स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर लेगा, ठीक है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है वो लगभग 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि ये जो है हाइड्रोजन का रूट मीन स्क्वायर स्पीड वो नॉर्मल एसटीपी, याद रखना है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एट एसटीपी, ठीक है ना? एट एसटीपी हाइड्रोजन का जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है वो लगभग 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो सोचिए कि जिस समय पृथ्वी का क्रिएशन हुआ था, कि जिस समय पृथ्वी बनी थी उस समय टेम्परेचर काफी हाई था और उस टेम्परेचर पे गैसेस का जो आरएमएस स्पीड होगा वो काफी इंक्रीज कर गया होगा, ठीक है? यानी कि उस समय हाइड्रोजन का जो आरएमएस स्पीड था वो लगभग इंक्रीज करके 5 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया था। ये भी बात आपको अच्छे से पता होगा, किसी भी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आरएमएस स्पीड एक जैसा नहीं होता है, वो सभी अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए वो आरएमएस स्पीड का मान भी अलग अलग होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस था उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आरएमएस स्पीड को अटेंड कर लिए, यानी कि उनका वेलोसिटी इतना इंक्रीज कर गया कि वो लगभग उनका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के पास पहुंच गया। अब ये एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पृथ्वी से बाहर फेंकते हो तो वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़कर बाहर निकल जाती है और पृथ्वी पर वापस कभी भी नहीं आती। और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है वो पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, राइट? और एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है 2gm/r से, अंडर रूट 2gm/r, यानी कि यहाँ पे m जो है उस प्लेनेट का मास है और r जो है रेडियस है। याद रखिएगा m जो है मास ऑफ, यहाँ पे आप अर्थ को ले लो क्योंकि प्लेनेट यहाँ पे आप अर्थ ले रहे हैं और r जो है उसका रेडियस है, राइट? और ये मान जो है पृथ्वी के लिए इसके वेलोसिटी का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? टेम्परेचर के बढ़ने से जब गैस के मॉलिक्यूल्स का जब स्पीड इंक्रीज करने लगा तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आरएमएस स्पीड उनका
लगभग एस्केप्ड वेलोसिटी के आसपास पहुंच गया, यानी कि लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास पहुंच गया, और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या किए, ग्रेविटेशनल पुल को तोड़कर पृथ्वी से बाहर निकल गया और वो पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आया। तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी पर आज लाइट गैसेस मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन के साथ जैसा घटा ठीक ऐसा ही कंडीशन हीलियम के लिए भी हुआ। हीलियम भी एक लाइट गैसेस है और उसके साथ भी यही हुआ कि उसके मॉलिक्यूल्स भी एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर एस्केप वेलोसिटी को अटेन कर लिए और पृथ्वी के सरफेस से बाहर निकल गए, वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आए। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि आपने सुना होगा कि चंद्रमा पे तो कोई एटमोस्फेयर ही नहीं है। क्या कारण है कि चंद्रमा पे एटमोस्फेयर नहीं है? रीजन वहां पे यही है क्योंकि वहां एक तो पहली बात कि आप समझ जाइए कि किसी भी प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो उसके मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, जो कि कंपेरेटिवली पृथ्वी के कंपेयर में अगर देखें तो मून का बहुत ही कम है, ग्रेविटेशनल पुल भी कम है। तो इस कारण से वहां पे एस्केप वेलोसिटी का मान भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि वो कम वेलोसिटी में ही वहां पे कोई गैसेस क्या होगी, एस्केप कर लेगी, राइट। और वहां पे ये हाइड्रोजन हीलियम क्या बड़ी बड़ी मास वाली भी गैसेस जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसेस भी जो होती है वो भी बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही इस वेलोसिटी को अटेंड कर ली, जिसकी वजह से वो सारी के सारी गैसेस क्या होगी, एटमोस्फेयर से बाहर निकल गई। यही कारण है कि वहां पे हल्की क्या और भारी क्या कोई भी गैसेस ही नहीं है। रीजन क्योंकि वो सारी के सारी एस्केप कर गई। ओके।